अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं पर भी कोई गाली मिले तो उस गाली को फिर सुनना नहीं, कतई पास ही मत जाना और जवाब भी मत देना। और जवाब तो आपको देना है 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके इन बेईमानों को जवाब देना है। पिछले कई सालों से समाजवादी परिवार में चली आ रही कलह अब खत्म हो चुकी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैफई में रविवार को जो नज़ारा देखने को मिला उस नज़ारे ने समाजवादियों में खुशी और बीजेपी नेताओं के माथे पर बल ला दिया है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव सैफई में एक मंच पर एक साथ नजर आए। इतना ही नहीं, मंच पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए मंच से कहा कि अब हम सब लोग एक हो गए हैं, बस अब आप लोगों को डिंपल यादव को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है। डिंपल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है, आप सब लोगों को इसी चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है। इस दौरान शिवपाल यादव नेताजी को याद करते हुए भावुक नजर आए, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में चाचा शिवपाल सिंह यादव को धन्यवाद कहा। अखिलेश ने कहा कि लोग कहते थे कि चाचा भतीजे में बहुत दूरियां हैं। आपको बता दूं, चाचा भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरियां नहीं मानी। खुशी इस बात की है कि राजनीति की दूरियां भी आज खत्म हो गई हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के मिलाप को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए समाजवादी परिवार फिर से एक हुआ है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश और शिवपाल नहीं चाहते हैं कि उनकी आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी उठा सके। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से शिवपाल और अखिलेश एक हुए हैं, क्या उस तरह से सपा और बसपा का विलय होगा।